हेलो दोस्तों, टेलीकॉम गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको क्रिस्टल का एक ईपीवीएक्स सिस्टम का मॉडल है ये आप हमारे पास जो कि एक 206 मॉडल है। इस मॉडल के बारे में हम आपको फीचर्स और इसके एक्सप्लेनेशन प्लस जो है प्रोग्रामिंग सभी के बारे में बताएंगे वन बाय वन करके। इसमें ये क्रिस्टल की एक इंस्पायर सीरीज़ है। इंस्पायर सीरीज़ ये स्टार्ट होती है 104 से, 206, देन 308 एंड देन 414, 412 एंड 414, यहाँ तक ये सीरीज़ ख़त्म हो जाती है। और इसके बाद ये इसमें डिफरेंट सीरीज़ शुरू होती है, तो उसका हम अपना नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेके आएंगे। अब मैं आपको सबसे पहले तो इसको सिस्टम को अनबॉक्स करते हैं कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ें हमारे पास आती हैं। तो ये हमारे पास एक सिस्टम है 206 जो हमने मंगाया है। तो ये हम इसको सिस्टम को हम ओपन करते हैं, और ये हमने सिस्टम को हमने ओपन किया, और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले सिस्टम के अंदर माउंटिंग स्क्रूज़ हैं जो इसके सिस्टम के साथ आते हैं। ये एक वारंटी कार्ड है क्रिस्टल का, जो कि आपको वारंटी सर्टिफिकेशन के लिए होता है। एक साथ में एक यूज़र मैनुअल आता है जिसमें सारे आपके फ़ीचर्स एक्सप्लेनेशन होती है, और साथ में ये आपका सिस्टम है। इसमें आप देखिए ये ब्लैक कलर की बॉडी में एक सिस्टम है। ये मॉडल 206 है। वैसे आपका 104 और 206 और 308 एंड 412 और 414 भी आता है। अब इसमें मैं आपको जो है पहले एक बार आपको सारे फ़ीचर्स इसकी एक्सप्लेनेशन आपको बताता हूँ कि भाई ये इसमें क्या क्या फ़ीचर्स होते हैं। फिर देन पहले हम आपको फ़ीचर्स बताएंगे इसमें, और फिर उसके बाद देन हम आपको प्रोग्रामिंग के बारे में बताएंगे। ये देखिए यहाँ पर ये ईपीवीएक्स क्रिस्टल का 206 मॉडल है जिससे को लेकर हम आपको वीडियो इसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। और इसमें आपकी यहाँ पर इंडिकेशन है, रन का इंडिकेशन है जो इंडिकेट करता है कि आपका सिस्टम रन कर रहा है। और यहाँ पर टेलीफोन लाइन 61 यानी ये ट्रंक लाइन नंबर 1 है, ये 62 ये ट्रंक लाइन नंबर 2 है, और अगर ये 308 होता है तो यहाँ पर 63, और अगर ये 414 होता है तो ये 64 होता है। तो ये इसमें इंडिकेशंस अवेलेबल हैं। अब हम इस वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं कि क्या इसमें फ़ीचर्स अवेलेबल हैं और क्या इसमें जो और अदर बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तो ये कॉलर आई डी ईपीवीएक्स है। पहली चीज़ कि इसमें कोई भी आपकी इनकमिंग नंबर्स है या इंटरकॉम नंबर्स है उसका कॉलर आइडेंटिफिकेशन होता है। नंबर आपको डिस्प्ले पे दिखाई देगा अगर आपने कॉलर आईडी इंस्ट्रूमेंट लगाया है। और अब हम देखते हैं, देखिए ये मॉडल है, इसमें ये चार मॉडल्स के लिए एप्लीकेबल है जो मैं प्रोग्रामिंग आपको बता रहा हूँ, 104, 206, 308 एंड 414। अब नेक्स्ट पार्ट में हम चलते हैं इसके यूज़र्स फीचर्स और एक्सप्लेनेशन के लिए। इसमें जो एक्सटेंशन नंबर की जो सीरीज़ स्टार्ट होती है दैट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 21, 22, 23 ऑनवर्ड्स। तो यानी दैट मीन्स कि अगर आपका ईपीबीएक्स 104 है तो आपके 21 से लेके 24 तक होंगे, और अगर आपका जो ईपीबीएक्स है वो 206 है तो 21 से 26 तक, और अगर ये 414 है तो 21 से लेके 34 तक। और इसमें फ्लेक्सिबल नंबरिंग भी अवेलेबल है। फ्लेक्सिबल नंबरिंग मतलब मीन्स यू कैन हैव द एक्सटेंशन इन 1 डिजिट, 2 डिजिट एंड 3 डिजिट्स, अप टू 3 डिजिट्स एक्सटेंशन नंबर पॉसिबल हैं। प्लस इसमें जो जंक्शन लाइन का नंबर है वो 60 बाई डिफ़ॉल्ट जो होता है वो 61, 62 एंड 63 एंड 64। अगर 414 है तो चार लाइनें होंगी, उनको हम दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक ग्रुप 0 और एक ग्रुप *5। तो दो में हम डिवाइड कर सकते हैं, जो कि हम प्रोग्रामिंग के द्वारा किसी भी ग्रुप का एक्सेस देना चाहें तो हम दे सकते हैं, या किसी भी लाइन को रखना चाहें तो रख सकते हैं। नेक्स्ट हम अगर देखते हैं कि इसके अंदर रिडायल की फैसिलिटी अवेलेबल है, जो कि रिडायल जैसे नॉर्मल हैश इज़ द की फॉर द रिडायल। कोई भी कॉल अगर आपको कोई भी नंबर आपने मिलाया है और उसको आपको रिडायल करना है तो आप हैश का बटन प्रेस कर सकते हैं। और कॉल पिकअप की फैसिलिटी अवेलेबल है कि कोई भी कॉल रिंगिंग है, किसी दूसरे एक्सटेंशन पर रिंगिंग है तो आप उसको *4 करके पिक कर सकते हैं। और देन इसमें डायरेक्टेड कॉल पिकअप भी अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो भाई किसी पर्टिकुलर एक्सटेंशन की कॉल को पिक करना चाहें तो वो भी आप पिक कर सकते हैं। उसके लिए डिफरेंट कोड होता है, वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जिसके अंदर कि हम यूजर मैनुअल आपको शेयर कर देंगे, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए हम कुछ जो मेन मेन कोड्स हैं उन्हीं को आपको शेयर कर रहे हैं। ऑटोमेटिक कॉल बैक की फैसिलिटी अवेलेबल है, जैसे कोई भी एक्सटेंशन आप रिंग करते हैं और वो बिज़ी मिलता है तो उसके बाद आप जो है 75 आप प्रेस कर देंगे, तो यानी ऑटोमेटिक जब भी आप फ़ोन रखेंगे और उनका फ़ोन फ्री होगा तो ऑटोमेटिक आपके पास रिंग आ जाएगी। तो ये फीचर अवेलेबल है। प्लस नेक्स्ट इसमें कॉल फॉरवर्डिंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल है कि भाई आप अगर किसी दूसरे एक्सटेंशन पर जाते हैं तो आप अपनी कॉल को फॉरवर्ड कर सकते हैं। उसके लिए कोड होता है *21 एंड देन एक्सटेंशन नंबर। दैट मीन्स कि कोई भी आप जिस एक्सटेंशन पर जा रहे हैं उसका एक्सटेंशन नंबर आपको अपने एक्सटेंशन से प्रेस करना पड़ेगा। जब भी आप वापस आएंगे तब आपको *720 आपको प्रेस करना पड़ेगा फॉर द कैंसिलेशन ऑफ कॉल फॉरवर्ड फ्रॉम द सेम एक्सटेंशन जहाँ से आपने कॉल फॉरवर्ड किया है। इसमें कॉन्फ्रेंस की फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है, उसके लिए कोड होता है *FLASH*0 जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने कोई पहला नंबर मिलाया है और उसमें
आपको कॉन्फ्रेंस करनी है, तो आप पहला नंबर मिलाने के बाद थ्री पार्टी कॉन्फ्रेंस अवेलेबल है, और उसके बाद फ्लैश करके आपने कोई एक्सटेंशन नंबर डायल किया, तो जैसे ही कनेक्ट हो जाता है, आप उसके बाद फ्लैश एंड जीरो करेंगे तो आपका जो है कॉन्फ्रेंस हो जाएगा। प्लस इसके अंदर डे नाइट मोड की फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप अगर डे नाइट मोड इसमें ऑटोमेटिक भी अवेलेबल है और मैनुअल भी अवेलेबल है तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए कोड होता है *851 फॉर द डे मोड, अगर आप मैनुअली यूज़ करते हैं *852 इज़ फॉर द नाइट मोड, एंड अगर ऑटो में यूज़ करना है तो दैट इज़ *853। तो दैट इज़ द कोड। एंड नाउ अगर आपने डेट एंड टाइम सेट किया हुआ है तो आप अलार्म को भी यूज़ कर सकते हैं, तो *982 इज़ द वन टाइम अलार्म कोड फॉर दिस, कि भाई अगर आपको कोई अलार्म सेट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। प्लस इमरजेंसी डायल की फैसिलिटी अवेलेबल है कि भाई आपने *99 तो मल्टीपल एक्सटेंशन नंबर्स एक साथ रिंग हो जाएंगे, तो इसमें आप इमरजेंसी डायल भी यूज़ कर सकते हैं। ग्लोबल डायरेक्टरी भी अवेलेबल है कि यानी आप 100 नंबर्स मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं किसी एक्सटेंशन पे, सपोज़ आपने डायलिंग फैसिलिटी नहीं दिया हुआ है तो उसको डायल करने के लिए भी आप *88 इज़ द कोड एंड देन 00 to 99, दैट मीन्स 100 नंबर्स इज़ अवेलेबल। और साथ में ही इस सिस्टम को आप रिमोट प्रोग्राम भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, जो आप टेक्नीशियन आपको इस सिस्टम को रिमोट से भी प्रोग्राम कर सकते हैं, उसके लिए कोड होता है *399। तो ये तो बेसिकली इसके फीचर्स हुए, और अब मैं आपको जो है इसके प्रोग्रामिंग के बारे में आपको सारा बताता हूँ। अब देखिए हम इसके प्रोग्रामिंग पार्ट में जाते हैं, और प्रोग्रामिंग पार्ट में ये क्रिस्टल का जो अपना सिस्टम है इंस्पायर 206 अभी हमने डेमो के लिए लगाया हुआ है, और इसमें सबसे पहले प्रोग्रामिंग के अंदर अगर हम जाते हैं तो सबसे पहले इसमें मेन पासवर्ड आता है, जो सिस्टम का मेन पासवर्ड है दैट इज *89000। तो ये पासवर्ड देखिए मैं करके आपको दिखाता हूँ, इसमें *89000। तो ये कन्फर्मेशन टोन आती है, यानी कन्फर्मेशन टोन मतलब मीन्स जैसे जब भी आप जैसे कोई भी प्रोग्रामिंग करेंगे तो सबसे पहले आपको कन्फर्मेशन टोन आएगी। इसमें फिर आप पासवर्ड को चेंज भी कर सकते हैं, *89000 करने के बाद 89 एंड देन YYYY, दिस इज़ ए न्यू पासवर्ड, आप नया पासवर्ड इसमें डाल सकते हैं। और प्लस अगर आपको इनिशियली आप पहली बार प्रोग्राम कर रहे हैं तो सिस्टम को रिसेट कर दीजिए, डिफॉल्ट में कर दीजिए, तो उसके लिए कोड होता है, पहले आपको मेन पासवर्ड डायल करना है फ्रॉम एनी एक्सटेंशन, कोई भी किसी भी एक्सटेंशन से प्रोग्रामिंग हो सकती है। ये एक ब्यूटी है इसकी क्रिस्टल की कि इसमें किसी भी एक्सटेंशन से हम प्रोग्राम कर सकते हैं, और इसमें आप इस मेन पासवर्ड डायल करने के बाद आप डायल करेंगे 96000। अब मैं जैसे एक बार डायल करके दिखाता हूँ रीसेट करके, *89000, ये कन्फर्मेशन टोन आ गई, देन 96000, ये कन्फर्मेशन टोन सेकंड आई जो कि रीसेट की कन्फर्मेशन टोन है। तो इस तरीके से सिस्टम आपका रीसेट हो गया है। आप प्रोग्राम मोड से जब भी आपको बाहर आना है तो आप जीरो करके बाहर आएंगे, जीरो फॉर एग्जिट। अब इसमें नेक्स्ट इसमें आप जो है डेट एंड टाइम सेट कर सकते हैं, अगर आप अलार्म वगैरह की फैसिलिटी यूज़ करते हैं तो आपको डेट एंड टाइम सेट करना कंपलसरी हो जाता है। तो इसमें 82 देन पहले मेन पासवर्ड करेंगे, फिर देन 82 देन फिर डेट टू डिजिट में, देन मंथ टू डिजिट में, देन ईयर टू डिजिट में, एंड उसके बाद द डे ऑफ द वीक, दैट मीन्स कि संडे को हम नॉर्मली जीरो कंसिडर करके चलते हैं, तो यहाँ पर आपको डे ऑफ द वीक डालना पड़ेगा, फिर देन 24 आवर फॉर्मेट में आपको यहाँ पर इसमें टाइम डालना पड़ेगा। तो ये डेट एंड टाइम आप इसमें फीड कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें जो आता है फ्लेक्सिबल नंबरिंग, फ्लेक्सिबल नंबरिंग इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको एक्सटेंशन नंबर चाहिए सिंगल डिजिट में या डबल डिजिट में या थ्री डिजिट में, तो आप तीनों में आप एक्सटेंशन कर सकते हैं। जैसे अभी बाई डिफॉल्ट जो नंबर आते हैं वो दो डिजिट में होते हैं, 21 से स्टार्ट होते हैं, 21, 22 लाइक दैट। जैसे अभी मैं इसमें डायल कर रहा हूँ 22, तो ये देखिए 22 नंबर आपका रिंग हो रहा है। और अब मैं सपोज इस नंबर को सेकंड पोर्ट है, जैसे इसमें पोर्ट नंबर से प्रोग्रामिंग करनी होती है, मैं अब इस नंबर को खाली ओनली 2 नंबर बनाता हूँ। तो देखिए *89000, ये हमने कोड डायल किया, उसके बाद 371 एंड दिस इज जो 22 है दैट इज़ पोर्ट नंबर 02, तो पोर्ट नंबर 02, उसके बाद एक्सटेंशन नंबर सपोज हमें इसको 2 बनाना है तो हमने यहाँ 2 प्रेस किया, देन हैश, ये कन्फर्मेशन टोन आ गई, और अब हमने इसे प्रोग्राम मोड से बाहर आ गए, ये बाहर आ गए, और अब हम अगर रिंग करते हैं इस एक्सटेंशन को तो देखिए ये सिंगल डिजिट का नंबर 2 बन गया। तो दैट मीन्स कि आप किसी भी एक्सटेंशन को 1 डिजिट से लेके 3 डिजिट तक बना सकते हैं। तो इसमें लेकिन ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो पोर्ट नंबर है वो स्टार्ट होगा 01 से लेके 14 तक, ठीक है। अब इसको हम नेक्स्ट उस पर जाते हैं, ये देखिए ये इसकी पोर्ट की सीक्वेंस है कि अगर एक्सटेंशन नंबर 21 है तो उसका पोर्ट नंबर 01 होता है, एक्सटेंशन नंबर 22 है तो 02, इस तरीके से अप टू ये अब 08 है तो 28, और अगर आप उससे आगे भी जाते हैं तो देन 09 मतलब 29, इस तरीके से इसके पोर्ट नंबर्स होते हैं। तो ये एक बार आप पोर्ट नंबर यहाँ से नोट कर सकते हैं।
नेक्स्ट, अगर आपको सारे फ्लेक्सिबल नंबर्स को इरेज करना है तो आप जो भी नंबर्स हैं सबको इरेज कर सकते हैं वन एक विद ए सिंगल कमांड। पहले आप *89000 करेंगे जो पासवर्ड आप डायल करते हैं, देन 371#, तो 371# करते ही जो सारे नंबर्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और अगर किसी पर्टिकुलर नंबर को आप क्लियर करना चाहते हैं तो उसमें *89000 देन 371 एंड द पोर्ट नंबर इज 010203 लाइक दैट और उसके बाद हैश, तो यानी दैट मीन्स कि वो नंबर भी आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें देखिए कि अगर कभी हमें सेलेक्टिव ट्रंक एक्सेस का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर एक्सटेंशन पे हमें मान लीजिए फर्स्ट लाइन चाहिए और सेकंड लाइन का एक्सेस नहीं चाहिए, या फर्स्ट और सेकंड लाइन का एक्सेस चाहिए, थर्ड और फोर्थ लाइन का एक्सेस नहीं चाहिए, तो ये ध्यान रखना है कि सॉफ्टवेयर के अंदर इसमें 4 पोर्ट डिफाइन करने होते हैं। दैट मीन्स कि आपको अगर आपने 206 सिस्टम भी लिया है तो आपको जो है 4 पोर्ट से ही प्रोग्राम करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे करके दिखाते हैं कि सपोज लाइन 1 और लाइन 2 का एक्सेस हमें 21 एक्सटेंशन पे देना है और लाइन 3 और लाइन 4 का नहीं देना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले प्रोग्राम मोड में जाएंगे, *89000, यहाँ पर कन्फर्मेशन टोन आएगी, उसके बाद देन आप 801, फिर एक्सटेंशन नंबर, फिर 11 यानी फर्स्ट टू लाइंस अलाउ कर दी, एंड देन थर्ड लाइन इनको हमने ऑफ कर दिया, तो ये आपका लाइन यहाँ पर आपका ऑफ हो गया। तो जिस लाइन को आपको अलाउ करना है उस लाइन को तो आपको 1 करना है, और जिसको आपको डिसअलाउ करना है उसको आपको 2 करना है। अब नेक्स्ट हम इसमें जाते हैं कि क्लास ऑफ सर्विस, अगर किसी एक्सटेंशन को आपको डायलिंग फैसिलिटी देनी है, नहीं देनी है, लोकल देनी है, स्टडी देनी है, ISD देनी है, तो उसके लिए ये क्लास ऑफ सर्विस का प्रोग्राम है। कि जैसे अभी हम अगर हम इसमें देखिए 0 या हम वो करते हैं तो यहाँ पर हम देख जैसे 61 सपोज हमने किया, लाइन एक्सेस हो गई यानी ब्लैंक आ रहा है। और अब अगर हम इसकी डायलिंग बंद करना चाहते हैं तो *89000 ये कन्फर्मेशन टोन आ गई, देन उसके बाद वही सेम 94 जो प्रोग्रामिंग है, फिर देन एक्सटेंशन नंबर 21 एंड देन 44 यानी हमने 44 एक्सटेंशन, मतलब 44 का मतलब कि 44 क्लास ऑफ सर्विस ओनली इंटरकॉम के लिए है, जैसे कि इसमें दिखा रहे हैं इंटरकॉम के लिए है। तो अब हमने 0 किया, बाहर आ गए। अब इसमें देखिए जब हम इसमें 0 करेंगे एंगेज टोन आ रही है, दैट मीन्स किसकी डायलिंग लॉक हो गई। और जब भी अब अगर हमें खोलना है तो हम दोबारा खोल सकते हैं *89000 देन 94 देन एक्सटेंशन नंबर देन उसके बाद 33 यानी ऑल फैसिलिटीज आर ओपन। और जैसे बाहर आएंगे प्रोग्राम 0 करके बाहर आ गए, अब हमारी ये लाइन ओपन हो गई। अब ये देखिए 0 हमने किया, ब्लैंक आ गया। तो इस तरीके से हम इसको डायलिंग को किसी की भी एक्सटेंशन पे क्लोज या बंद कर सकते हैं। साथ में इसके अंदर जो है मेमोरी डायलिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है, कि मीन्स आप 100 नंबर्स मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं, जिसमें कि जब भी आपको नंबर स्टोर करना है तो आप इसमें सबसे पहले प्रोग्रामिंग में जाएंगे *89000 और उसके बाद 88 इज़ द कोड 88 एंड सपोज 0100 लोकेशन है तो 00 लोकेशन हमने डायल किया। और उसके बाद हमने CO लाइन नंबर अगर मैं 1 एक्सेस कर 1 करनी है, मैं दोबारा करता हूँ क्योंकि टाइम निकल जाता है। आप देखिए 88 देन उसके बाद लोकेशन नंबर 00 और फिर मैंने फर्स्ट उसे लाइन से डायल करना है, फिर मैं 0 जो भी मैं मोबाइल नंबर डायल करना चाहता हूँ ये मैंने मोबाइल नंबर उसमें डायल किया, लास्ट में हैश ये स्टोर हो गया। अब मैं जब भी इस नंबर को डायल करना है प्रोग्रामिंग मोड से बाहर आना है और उसके बाद *88001 तो ये इसमें कोड हो जाता है डायल करने का, क्योंकि अभी हमने इसमें डायलिंग बंद की हुई है तो इसलिए इसमें से नंबर डायल नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से आप इसमें नंबर फीड कर सकते हैं। नेक्स्ट आप इसमें देखिए ये इनकमिंग जो नेक्स्ट प्रोग्राम है, जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है वो इनकमिंग का है, कि भाई कोई भी इनकमिंग आपको जंपिंग में चाहिए या सैमल्टेनियस चाहिए तो वो हम यहाँ से फीड करते हैं। इसके लिए जो कोड है इसमें आप जैसे डायल करेंगे *89000 ये कन्फर्मेशन टोन आ गई, देन 92 और उसके बाद जो ट्रंक नंबर जैसे 1 है तो 1 और उसके बाद सपोज 21 नंबर, फिर 22 नंबर, फिर 23 नंबर, फिर 24 नंबर, फिर 25 नंबर, ये कन्फर्मेशन टोन आ गई। दिस इज़ फॉर द डे मोड। अगर आप और 0 से आप बाहर आ गए यानी लाइन 1 को हमने लैंडिंग करा दिया पहले 21 पे, फिर 22 पे, फिर 23 पे, फिर 24 पे, फिर 25 पे, अगर ये आप डे मोड के लिए करते हैं तो ये 92 इज़ द कोड, एंड अगर आपको नाइट मोड के लिए करते हैं तो यहाँ पर 93 इज़ द कोड। अब नेक्स्ट जो इसमें आपको डिसाइड करना है कि ये कॉल जो है आपकी राउंड रॉबिन में होनी चाहिए या फिर आपकी नॉर्मल साइमल्टेनियस होनी चाहिए, तो उसके लिए फिर हम कोड यहाँ पर वही सेम करते हैं, जैसे *89000 एंड देन 46 और उसके बाद जंक्शन नंबर जैसे 1 है और उसके बाद अगर वो राउंड रॉबिन रखना है डे और नाइट में तो 11 कर देंगे, और अगर आपको साइमल्टेनियस रखा है तो आप वहाँ पे 22 कर देंगे। और इस तरीके से ये हम प्रोग्रामिंग से बाहर आ गए। इसी तरीके से जो है आप कोई भी जो भी प्रोग्राम इसमें चेंज करना है आप इसको प्रोग्राम को चेंज कर सकते हैं।
और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन। और आपकी अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमारे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे कि हम आपको जो है आपको हम जो है टाइम टू टाइम आपको उसको रिप्लाई करें और आपके लिए नए नए से नई वीडियो ला सकें। और आप इसके जो डिस्क्रिप्शन है मैनुअल्स और जो है यूज़र मैनुअल्स और प्रोग्रामिंग मैनुअल, वो हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के साथ ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू।